फोटोशॉप की एक नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आज हम ब्लेंडर जीटा के कैमरा का सेटअप देखेंगे और नया जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है हमारा ब्लेंडर जीटा का जो कैमरा है वो फुल पूरा का पूरा जो नया तरीके से हमने लॉन्च किया है उसको आप आज इस वीडियो में देख पाएंगे। तो देर ना करते हुए मैं आपको सामने रखी हुई चीज़ों के बारे में बताना शुरू करता हूँ। ये कैमरा किट है कंप्लीट, जिसमें आपको ये 6.5 मीटर लंबा केबल मिलता है। इस केबल में दो ये कनेक्टर आपको अटैच मिलते हैं, जिसमें कोई भी लूज वायर नहीं है। लूज वायर इसलिए कह रहा हूँ मैं कि लूज वायर ना तो हमें इसमें कोई ज़रूरत है और ना ही आगे हमें इंस्टॉल करते वक्त कोई लूज वायर इसमें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी वारंटी होती है, इस वायर की पूरी वारंटी है 3 साल। तो अगर आप इसको नहीं काटेंगे और कुछ प्रॉब्लम इसमें आ जाती है, कहीं डिस्कनेक्शन आपको महसूस होता है, तो ये 3 साल तक आप इसको बिना किसी पैसा दिए चेंज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। पहला तो ये रहा। दूसरा ये है जो ब्लेंडर जीटा का कैमरा असेंबली। ये कैमरा असेंबली पूरा वारंटी कार्ड के साथ में आता है और इसका 1 साल की फुल वारंटी होती है। इसका प्राइस की अगर बात करें तो ये 3,500 रुपये का प्राइस में आपको मिलता है। और ये कैमरा डायनेमिक ट्रेजेक्ट्री फीचर वाला कैमरा होता है। तो अभी वीडियो में देखेंगे कि डायनेमिक ट्रेजेक्ट्री फीचर होता कैसा है। कई लोग तो जानते हैं लेकिन कई लोग क्वेश्चन करते हैं, तो उनको उनका वो डाउट भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो वीडियो है कनेक्टर है इसके साथ में अटैच है और इसमें भी कोई लूज वायर नहीं है। सो दैट इंस्टॉलेशन के वक्त हमें किसी भी लूज वायर की आवश्यकता होती नहीं है। अभी इसके साथ में आपको ये एक रबर रिंग मिलता है जो कि इसके साथ अटैच होता है। ये रबर रिंग केवल अल्फा कैमरा के साथ में ओरिजिनल मारुति के स्पेयर पार्ट के साथ में आता है। उसके अलावा ये मार्केट में लूज अवेलेबल है ही नहीं। तो ये हमने अपना खुद का प्रोडक्शन करते हुए यहाँ फिट किया है और इस पर आप देख रहे हैं कि ऑटो शॉप की ब्रांडिंग भी है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो वायरिंग है पूरा कैमरे का, ये हो या ये हो, ये कितनी हैवी वायरिंग है। तो कोई भी हमने चीप पार्ट यूज़ किया ही नहीं, क्योंकि हमारा जो सप्लाई है वो नेक्सा को भी है, तो उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बहुत हाई लेवल के हैं, उन्हें हमें फुलफिल करना होता है। तो हम क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ही हर चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। पिछले 1 साल में हम लोगों ने इस कैमरे को 4 या 5 बार लॉन्च किया और अभी फ़िलहाल ये फाइनल लॉन्च है, जिसमें ये कम्प्लीट हो चुका है। इसमें कई कमियां थी बीच में और हमने धीरे धीरे कस्टमर्स के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग उसको ढाल के बिल्कुल ओरिजिनल के जैसा सेम टू सेम कॉपी कर लिया है। तो आज की डेट में ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है, जो कि आपको ऑटो शॉप की ब्रांडिंग के अंडर में मिल जाता है। ये प्रोडक्ट आपको quidcarsolution.in और autoshop.in दोनों वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ ही आपको ये अमेज़न पर भी मिल जाएगा। अमेज़न पर हमारा स्टोर अभी न्यूली लॉन्च हुआ है ऑटो शॉप। तो ऑटो शॉप का जो हमारा अमेज़न का वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए आज हम देखते हैं मेरी टेबल के ऊपर, ये देखिए ब्लेंडर जीटा का एक इंफोटेनमेंट सिस्टम ये रखा हुआ है। तो इसे मैं अभी इंस्टॉल करूँगा इसमें और आपको ब्रीफ करूंगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत दो डाउट लोगों के अंदर मोस्टली मिलते हैं कि क्या इस किट को लगाने के बाद में ब्लू स्क्रीन का एरर आएगा या फिर कार की वायरिंग काटनी पड़ेगी। ये दो जो सवाल मैंने अभी किए हैं ये बहुत कॉमन है और लगभग हर आदमी के दिमाग में ये पूछे जाते हैं, तो इस डर से वो आफ्टर मार्केट में नहीं लगवाते हैं। बहुत सारे जो मारुति के नेक्सा शोरूम हैं या मारुति के दूसरे शोरूम हैं
उनमें भी वायरिंग कट को करके वो लोग कैमरा लगा रहे हैं, 8 या 10 हज़ार रुपये तक चार्ज करते हैं, और वो कैमरा क्योंकि उन्हें कस्टमर को कैमरा बेचना होता है। तो कई नेक्सा शोरूम्स में हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, तो वो वहाँ का अपना उनका काम है कि वो किस तरीके से देंगे। बाकी यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट इन खूबियों के साथ में मिलता है कि हमारी इस किट को इंस्टॉल करते वक्त आपको कोई भी वायरिंग कट करने की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही इसको इंस्टॉल करने के बाद ब्लू स्किन का एरर बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी हम देख लेते हैं ये कितना इजी है इंस्टॉल करना। मैं ये स्क्रीन जो है इसको ऑन कर लेता हूँ। ये हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसको सेटअप बनाया हुआ है, ये एक स्विच है, और इस स्विच से बैक गियर का मैं काम लेता हूँ। मतलब इसको मैं ऑन ऑफ करता हूँ तो ये बैक गियर में सिग्नल जाता है, लेकिन क्योंकि अभी आप देखिए यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं लगा है, और इसका जो बैक ग्रीन कनेक्टर है वो खाली है। ये बैक ग्रीन कनेक्टर अभी खाली है, और इसके दौरान अगर हम बैक गियर का बटन दबाते हैं तो स्क्रीन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, देख रहे हैं आप। मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन सेम है, स्क्रीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही हम अब इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं, और इंस्टॉलेशन शुरू करते वक्त सबसे पहले हम लगाएंगे ये जो ग्रीन कनेक्टर है इसे पीछे। मेरा एक हाथ काम कर रहा है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे लगता है। ये लगा दिया है मैंने यहाँ पे, और अब मैं इसको यहाँ मैं कैमरे के साथ में इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी हमने कनेक्शन कर लिया है। आप देखिए ये यहाँ पे कैमरा कनेक्ट हो गया है, और पीछे ये ग्रीन कनेक्टर कनेक्ट हो गया है। अब मैं आप जितनी बार भी बैक गियर लगाओ ब्लू स्क्रीन का एरर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं कोई ब्लू स्क्रीन नहीं है, और कोई हमें वायर कट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब दूसरा फीचर है इसका डायनेमिक ट्रैजेक्टरी, आखिर क्या होती है। तो यहां मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि यहां आप देखें ये जो लाइंस हैं, ग्रिड लाइन बोलते हैं मोस्टली ज़्यादातर लोग इन्हें, ये अभी स्ट्रेट हैं, बिल्कुल सीधी हैं। तो जैसे ही मैं कैमरे को मूव करूँगा लेफ्ट और राइट, ये अपने आप मूव होने शुरू होंगे। देखिए ये मुड़ रही है, ये भी मुड़ रही है, लेफ्ट राइट। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक ट्रैजेक्टरी फीचर। कई लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि भाई ये नॉन डायनेमिक और डायनेमिक ट्रैजेक्टरी फीचर में क्या अंतर है। तो सिर्फ इतना अंतर है कि ये जो ग्रिड लाइंस हैं वो अपने आप मूव करती हैं। जैसे आपकी गाड़ी संतुलन में नहीं खड़ी, ऊपर नीचे दोनों टायर हैं तो भी ये सही से आपको मतलब सीधी स्ट्रेट नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी मुड़ी होगी। और जैसे आप पीछे बैक गियर लगा के गाड़ी को
टर्न करना शुरू करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे, तो वो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट और राइट आपको यहाँ पे मूवमेंट दिखाई देगा लाइंस का। ये डायनेमिक फीचर, ये तो हो गया क्लियर। अब दूसरी चीज़ हम क्लियर करते हैं कि इसका नाइट विजन कैसा है। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कमरे में काफ़ी अंधेरा है और मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ। ये देखिए, ये अंधेरा हो गया है कमरे में। अभी ये मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन इधर आप देखेंगे कि इसका जो विजन है वो आपको क्लियर दिख रहा है। मैं कैमरे के अंदर आपको क्लियर दिख रहा हूँ। और अगर मैं ऐसे मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं वाइट कलर का जो मेरा वायरिंग है वो आपको बहुत कम दिख रहा होगा। इतना अंधेरा है कमरे के अंदर कि सीधा कैमरा नहीं देख पा रहा है। ये है मेरा कैमरा, ये आप साइड में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप साइड में, इधर देख रहे हैं, इधर ये मैंने कैमरे को पकड़ लिया अपने हाथ में, शायद आपको थोड़ी सी चमक दिख रही होगी। तो ये आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि नाइट विजन की क्वालिटी आपकी कैमरे की कैसी है। इसकी 180 डिग्री इसका व्यूइंग एंगल है, 180 डिग्री ट्रू इसका जो लेंस है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। हमने स्पेशली इसको ऑर्डर देके बनवाया है और ये थाईलैंड का एक लेंस और चिप इसका सेंसर है। बाकी जो प्रोडक्ट है, वायरिंग है और इसका जो ब्रैकेट है, रबर रिंग है, पूरा कनेक्टर है, ये सब हम अपना इंडिया में ही बनवा रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। उसके बाद इसका 1 ईयर का फुल वारंटी है इस कैमरे का। कोई भी दिक्कत होता है आप इसको इजीली अपना वारंटी कार्ड दिखा के चेंज कर सकते हैं। दूसरा, ये जो रबर रिंग है इसका बहुत, मैं लाइट एक बार जला लेता हूँ, इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये जो रबर रिंग है जहाँ ये लगता है, फिट होता है, वहाँ होल होता है कार के बैक डोर में। ये कहिए कि जो आपका क्रोम है उसके अंदर छुपा होता है वो होल, उसमें पहले कंपनी एक कैप लगा के देती है, तो जब हम कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो कैप निकालनी पड़ती है और ये उसकी जगह लगता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये आपका नहीं होगा तो गाड़ी के अंदर पानी भरने की शिकायत आ जाती है और पानी भरने की शिकायत के साथ में आपको फिर कुछ जंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कैप बहुत मस्त है, हमने इसको भी स्पेशली डिज़ाइन कराया है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। इसके साथ में आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका जो फिटिंग होगा, इसका जो फिटिंग होगा वो कैमरे में कहाँ। ये है क्रोम, आप देख रहे हैं यहाँ थोड़ा अंधेरा है, अंधेरे में बहुत क्लियर नहीं है चीज़ें, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये क्रोम है और क्रोम में ये होल है, इस तरह का होल होता है क्रोम में। ये होल है, आप देख रहे हैं, ये कैमरा सीधा सर यहाँ फिट होता है ऐसे करके, और आप देखेंगे कि ये इस तरीके से यहाँ फिट हो जाएगा। बाहर नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल बराबर है उसके और एकदम फिक्स है वहाँ पे। यहाँ दो स्क्रू लग जाएंगे आपके जो गाड़ी में पहले से मौजूद हैं, यहाँ पे स्क्रू लग जाएंगे और आपका जो विजन होगा वो इस तरीके से लग जाएगा। तो ये मेरा वीडियो था, इस वीडियो में मैंने आपको जितना जानकारी मैं दे सकता था मैंने अपनी तरफ से दी। ये प्रोडक्ट अमेज़न पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं और
इस वीडियो के लिंक में मैंने अमेजन का और मेरी वेबसाइट क्विड कार सॉल्यूशन का लिंक आपको मैं दे दूंगा, जो कि आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसको अभी स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और साथ ही साथ मैं आपको आने वाले कस्टमर्स के लिए बताना चाहता हूँ कि हम लोग दूसरी कार्स के लिए भी अभी काम कर रहे हैं, जिसमें शामिल है ब्रेजा XL6 और जो दूसरी कार हैं जैसे वैगनर है, उसके लिए भी हम इस तरह का मॉडल लेके आ रहे हैं। ये नया मॉडल हम लॉन्च करने वाले हैं अगले महीने। तो जो डिजायर है, स्विफ्ट है, उन सब में पीछे क्रोम में ये इस तरह का कैमरा हम लॉन्च करने वाले हैं, जो कि पीछे क्रोम के यहाँ सेट होगा और इजीली इसी तरीके से उसका भी इंस्टॉलेशन सेम होगा। तो उस पर अभी हमारा काम चल रहा है, ये अभी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, बाकी ये बलेनो जीटे का हो चुका है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।